हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। पठान को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार लेटेस्ट न्यूज क्या है, क्या चड्डी का कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या ये डिलीट हो जाएगा, क्या होगा, गाना तो बहुत अच्छा है, कैसे होगा, क्या होगा, ट्रेलर टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काफी सारी पॉजिटिव, नॉट सो पॉजिटिव न्यूज आ रही है, तो सब कुछ डिस्कस करते हैं। पहले तो जो जर्मनी से न्यूज आ रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जितनी भी टिकटें खुली थी 7 थिएटर्स के अंदर, सब सोल्ड ऑफ हो गया भैया। यहाँ पर लोग बॉयकॉट शॉयकॉट जो भी कर रहे हैं वहां पर, तो पीपल आर जस्ट गोइंग क्रेजी ओवर शाहरुख खान एंड दे वांट टू सी हिम बैक ऑन द लार्जर स्क्रीन, एंड द इंटायर सेट ऑफ टिकट्स दैट दे ओपन्ड इज सोल्ड ऑफ। सो हो सकता है और शोज लगे या जो भी हो, फिलहाल के लिए जो कुछ भी उन्होंने खोला बंद किया वो सब बिक गया है। वेरी गुड। तो साथ में एक कॉन्ट्रोवर्सी और आ गई, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री साहब को अपनी नाक हर जगह लेके यानी होती है और काफी ज्यादा वो एक्सपोज होते जा रहे हैं ऐसे जबरदस्ती के पंगे लेते हुए कि भाई साहब ऐसा है कि जी ये कलर में तो इशू है। और कलर में इशू बताते बताते उनकी खुद की डॉटर जो है उसका जो बिकनी सेम कलर के अंदर पहने हुए वीडियो फोटो वायरल हो जाता है। इसमें अच्छा है और बुरा है। हमारा समाज जो है थोड़ा सा घिनौना होता चला जा रहा है, क्योंकि बच्चों को बेटियों को इसको बीच में नहीं घसीटना चाहिए था। चाहे बाप जितना मर्जी चूंचा चूंचा करता रहे, ये मेरे को अच्छा तो नहीं लगा। लेकिन इससे एक पॉइंट जरूर प्रूव हो जाता है कि पहले चलो जिनके घर शीशे के होते हैं जरा पत्थर वत्थर मत मारो और थोड़ा सा कम खेलो पॉलिटिक्स। जो करना आता है आपको थोड़ा बहुत वो कर लो। मूवी आपने आज से वैसे कोई भी अच्छी नहीं बनाई है। आपकी जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत शानदार रहे हैं, बहुत ही दिल को छूने वाले रहे हैं, लेकिन आपको मूवी मेकिंग अभी भी सीखनी है। आपने कोई बहुत कमाल की मूवी अभी तक मूवी के हिसाब से अच्छी नहीं बनाई है। एनीवेज, अब आगे चलते हैं और क्या न्यूज है पठान के बारे में। तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे ये कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, जिसको नहीं भी पता होता वो भी जाके देखता है यार कि विश्रम सॉन्ग है कौन सा। अब सारी दुनिया ने देख लिया हुआ है, बच्चे बूढ़े जवान सबने देख लिया हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी हम इसको बैन करेंगे, हम इसको कटाएंगे। अब फायदा क्या है, सबने देख ही लिया। बट ये जो लोग बैन भी कर रहे हैं या फिर बैन की मांग कर रहे हैं, और यहां तक की मांग कर रहे हैं कि पहले कुछ संगठन को प्रॉब्लम था कि शायद ये कलर एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। अब जो दूसरी कम्युनिटी है जिसका इस कलर से कुछ खास लेना देना है नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें भी कुछ लोग उठ के आ गए हैं। उन्होंने बोला है कि जी अगर मैं किसी इन्फ्लुएंशियल पोजिशन में होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, क्योंकि ये गाना जो है अश्लील है। अभी अश्लीलता के ऊपर आ गए हैं। तो मेरे से सुबह किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अगर ये गाने में छोटे मोटे जो चेंजेस बोले गए हैं, ये कलर वलर चेंज करने के लिए, काटने के लिए, एडिट करने के लिए, भी बोला गया है, ये अगर हो जाता है तो क्या एकदम स्मूथ रन मिल जाएगा। तो मैंने उनको आंसर किया था बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने देखा होगा तो स्ट्रेटेजिक तरीके से बॉम्बार्डमेंट ऑफ बैन नेगेटिविटी शुरू हो चुकी है। वो केआरके एक इंसान है, उसको वो भी लग गया है। वो एक और न्यूज है कि केआरके भाई साहब को लगता है कि वो सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं दुनिया में, वो बदनामी करेंगे, ट्रोल करेंगे, तो ये क्रिटिक्स का काम हो गया। क्रिटिक्स मतलब कि किसी को ट्रोल कर दो तो इसका मतलब हो गया क्रिटिक्स हो गया। वेरी गुड। तो क्योंकि वो आज ही लिख के लेते रहते हैं कि जी आर्यन जो है वो शाहरुख खान नहीं बन सकता, ऐसे वीडियो बनाते हैं वो। बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं आपका बच्चा क्या बनता है। हम तो वैसे दुआ ही करेंगे कि वो अच्छा ही बने, जो भी बने। हम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते हैं, बट क्यों बोलना है किसी को कुछ भी। हो सकता है वो किसी और फील्ड में करे, व्हाई टू टॉक नेगेटिव अबाउट एनीथिंग। तो ये माइंडसेट, ये सोच जो है वो बहुत ही घटिया रहती है। पहले ही उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये मूवी थोड़ी ओल्ड स्टाइल है। अभी ट्रेलर तक नहीं आया और उसने ये डिक्लेयर कर दिया, और बहुत सारे जो उसके फॉलोअर्स हैं उसके जैसे ही हैं, तो ऐसे वाले अंगूठा चाप। तो अंगूठा चापों ने भी बोल दिया हाँ हाँ हमें भी लगता है जी, हमें भी लगता है। तो पता नहीं क्या लगता है। जर्मनी पढ़े लिखे लोगों तो नहीं लगता, हमारे यहाँ पर सुपर पढ़े हुए लिखे हुए ज्यादा लगने लग जाता है। और क्या खबर आई, सॉन्ग्स के बहुत ज्यादा नंबर्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पर एडवांस बुकिंग शुरू हो तो हम फटाफट से कूदें उसके ऊपर। अभी तक शुरू हो जाती है, लेकिन वो इसलिए नहीं शुरू हुई क्योंकि रिवाइज्ड वर्जन तब तक जाएगा नहीं, तब तक ये ओपन नहीं करेंगे। अगर आप बुक माई शो पे जाओगे तो आपको वो बटन आता ना इंटरेस्ट वाला, एंड नोटिफाई मी व्हेन द बुकिंग इज ओपन, ऐसा वाला बटन आपको मिल जाएगा। तो आप अगर आप चाहते हो करना तो वो आप कर सकते हो, लेकिन आप बुकिंग अभी नहीं कर सकते हो। और जी मुझे क्या लगता है कि ये कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, 101% लिख के ले लो, या तो कलर चेंज होगा ये कट ही जाएगा। ये इस कोई चांस ही नहीं है कि इतनी बड़ी मूवी के अंदर आप बिना ये एडिट्स करे उसको रिलीज कर पाओगे। बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इसके पीछे है, तो अब ये बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो सकता इसके बिना। और क्या नेगेटिविटीज के अलावा भी और होगी, बहुत भर भर के होगी। क्या ये मूवी अच्छी होगी बुरी होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान हर सब्जेक्ट में आ जाता है। किसी ने बिकनी पहनी
तो शाहरुख खान, किसी ने वो गाना को कोरियोग्राफ किया और उसके स्टेप्स गलत तो शाहरुख खान। तो हर चीज शाहरुख खान क्यों है, थोड़ा सोचने वाली बात है कि शाहरुख खान क्यों, दीपिका पादुकोण क्यों नहीं, कोरियोग्राफर क्यों नहीं, एक्टर क्यों सर, प्रोड्यूसर क्यों नहीं, डायरेक्टर क्यों नहीं, हर चीज का जो है कहते हैं ना जिम्मेवारी इसके ऊपर क्यों, और बॉयकॉट अगर करना है तो हम शाहरुख खान को कर देंगे। तो थोड़ा एजेंडा ड्रिवन तो सबको लग ही रहा है देखो, लेकिन रियल बात क्या है वो किसी को भी नहीं पता है कि क्यों हो रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है, जो भी इनको कहा गया होगा करने के लिए ये सारे बॉलीवुड वाले कर नहीं रहे होंगे ऐसा कुछ है, और अगर कर लेंगे तो शायद स्मूथ राइड हो जाएगी इनके लिए, ऐसा कुछ मुझे लगता है एटलीस्ट, कि कुछ तो होगा जो हम लोगों को नहीं पता। बाकी एक मुद्दा और छिड़ गया कि जो शाहरुख खान साहब हैं वो जितने भी उन्होंने एप्स बनाए, मेहनत करी, करा जो भी करा, ये सब नकली है। तो एक जो सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को बोलते हैं, इनके 2 या 3 मुश्किल से सब्सक्राइबर नहीं होते, वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ हैशटैग्स पॉपुलराइज करके बहुत सारी पोस्ट डालते हैं, तो वो पॉपुलराइज करने निकलनी है कि ये जो एप्स हैं ये गलत हैं। अरे गलत है सही है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तो हमने डाउन साउथ में इतने इतने पेट वाले लोगों को भी देख ही रहे हैं ना यार, अखंडा वाले जो हीरो हैं भाई साहब, उनका पेट जो है वो आगे वाले मेरे कैमरा तक टच करेगा, लेकिन देख रहे हैं उनको, एंजॉय कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर इफ यू आर एंजॉइंग द मोमेंट, यू आर एंजॉइंग द स्टार, एंड इफ द डायरेक्टर इज एबल टू मेक दैट सीन बिलीवेबल, चाहे उसके 6 पैक हो, 8 हो, 10 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे पेट हो, जैसे मोटा इंसान की भी तो कोई मूवी हो सकती है ना। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई ये तो सिंपल टारगेट है, और कभी आप सोशल मीडिया पे चले जाओ तो भैया ध्यान से जाना, क्योंकि मैं जब जाता हूँ ना मेरा तो दिमाग बड़ा खराब होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये भी नेगेटिव बोले जा रहे हैं, ये भी नेगेटिव बोले जा रहा है, ये कहाँ से बात आ गई, ये तो यार ये तो इसकी, मेरे को कभी ऐसा लगने जाता है इनकी परवरिश किस तरीके की है। जैसे घरों में बोला जाता है ना कि यार खुश रहो, दूसरों को भी खुशी बांटो, स्माइल करते रहो, तो पॉजिटिविटी आती है राइट। एंड जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा कलस्ते ही रहते हैं, ऐसे ऐसे गंदी शक्लें बनाते रहते हैं, उनका मतलब अंदर भी कड़वाहट, उनसे जो मिलेगा उनसे भी कड़वाहट, तो हमेशा कड़वाहट ही बनी रहेगी। बट पॉजिटिव तरीके की अगर मैं बात करूं कि अगर छोटे मोटे ये चेंजेस जो ये बोल रहे हैं कर करा के काम खत्म करो और उसके बाद इसको रिलीज करो, इसको सेटबैक देखो इस मूवी को मिल चुका है, दैट लेट्स बी रियल अबाउट इट। बहुत से लोग अब बहुत कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि भारत महान ऐसा ही है, भेड़ चाल का देश है ये, हम बहुत महान बातें करते हैं देश के बारे में, हमें करनी भी चाहिए, लेकिन कुछ हमारी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, हर देश में होती हैं, इंसान है, इंसान से गलतियां तो होती हैं। वो जो चीज़ है वो ये है कि जब आप किसी चीज़ को बेकार बोल देते हो, और इतनी बार इतने सारे लोग बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं यार एक मिनट यार मेरे को ना अभी टिकट बुक नहीं करनी है, मैं एक बार देख लूँ ये क्या निकल रहा है। हर एक का पॉकेट होता है, हर एक की सेंसिबिलिटी होती है, हर एक ने अपना पॉकेट और अपने पैसे बहुत संभाल के रखे होते हैं कि मैं इस काम के लिए यूज़ करूँगा, उस काम के लिए यूज़ करूँगा, और अगर ऐसा लगेगा कि जी मूवी ठीक है तो चलो मैं फिर खर्च कर लूँगा, बच्चे हैं, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, मतलब दोस्त हैं उनके साथ जाके, कोई बात नहीं, पैसे स्पेंड हो गए तो हो गए। लेकिन अगर कहीं छोटा मोटा ऊंच नीच हो गई कि भाई हाँ बोला तो था बड़ी बेकार है, हाँ बोला तो था कि बड़ी एज ओल्ड टाइप है, बोला तो था कि रिपीटेटिव मामला लग रहा है, बोला तो था वॉर जैसी ही है, अगर ऐसा कुछ बोलना शुरू हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। और अगर हम ये देखें कि जो इसका नरेटिव डायरेक्टर प्रोड्यूसर से क्या आया है, एक्टर्स एक्ट्रेस को छोड़ो, उन्होंने बोला कि जी हम देशभक्ति के ऊपर मूवी बना रहे हैं, एक एजेंट है जो देश के लिए काम कर रहा है और वो स्पाईगिरी से देश की सेवा कैसे कर रहा है कंसिस्टेंटली इतने सालों से, ये है पैरेलली वो ऐसा ही और देशभक्तों के साथ किस तरीके से जुड़ता चला जाएगा वो है। तो अगर उसको हम ऑन द फेस वैल्यू लेंगे और पॉलिटिक्स अलग करेंगे तो शायद अच्छी लगने लग जाएगी, अगर हम इसके अंदर पॉलिटिक्स और वो हिंदुइज्म और ये सब चीज़ें ढूंढने लग जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। वैसे अगर आपको नेगेटिविटी का बहुत शौक है तो मैंने आज एक वो ढूंढा है, वो क्या बोलते हैं, ट्विटर का एक हैंडल ढूंढा, उसमें बहुत भर भर के चीज़ें निकाली जाती हैं रोज के हिसाब से। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार इसका तो काम ही है, इसका नाम है जेम्स ऑफ बॉलीवुड, हालांकि मुझे बताना ही चाहिए क्योंकि मेरे तो बिल्कुल ही विपरीत है, मैं तो कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ ना मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे हंसी आने लगी है उनके ऊपर। उनको किसी ने किसी अरब देश में कुछ कर दिया, किसी ने जर्मनी में कुछ कर दिया, तो वो उसको ढूंढता है उस न्यूज़ को, वो आदमी बैठता है पूरा दिन लगाता है और उसके बाद वो ढूंढता है कि इसके अंदर क्या था, अब इसको मैं किस मूवी ऑफ बॉलीवुड में लिंक कर दूं और मैं बोलूं कि हाँ
कि कहीं पर किसी फॉरेन कंट्री में किसी का रेप हो गया फॉर एग्जांपल, तो अब मैं इसको बॉलीवुड से कैसे लिंक कर दूं? वो सारा दिन बैठ के आदमी यही करता है, सोचो तो हिम्मत है भाई साहब। बट एनीवेज चलो फिर जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे पॉजिटिव यार, मैं तो ये बोलूंगा कि जस्ट क्लियर योर हेड, मूवीज आर फॉर एंटरटेनमेंट। इफ इट इज नॉट एंटरटेनिंग यू, इफ यू बिलीव दैट इट इज प्रोपेगेंडा, इट इज बाय सर्टन सेट ऑफ पीपल हु आर जस्ट ड्राइविंग देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडाज और रिलीजियस एजेंडाज, जस्ट लीव द मूवीज। अब OTT पे बहुत सामान आता है भैया, वहां पर देख लो, इस रास्ते जाओ ही मत, लेकिन नेगेटिविटी मत फैलाओ, क्योंकि नेगेटिविटी आप किन के खिलाफ कर रहे हो? दीज आर योर ओन सिटीजन यार, अपनी कंट्री का माहौल खराब होता है इससे, बाकियों को रियलाइज नहीं होता। ये अग्निहोत्री वग्निहोत्री जो है, ये खुद ही दो पहने के लौटे हैं मेरे हिसाब से। मैं पहले बोलता नहीं था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था इसको, बट आप एक मूवी बनाते हो, आप महान बन जाते हो, महान बनने के बाद आप अपनी हेट स्टोरी देखते नहीं हो, दूसरे को हेट करते रहते हो, अपने घर में नहीं देख रहे हो कौन क्या कलर पहन रहा है, बाहर ज्ञान देने आ जाते हो, फिर बोलते हो मैं ही महान हूं और दूसरा कोई महान ही नहीं है, मेरे को ही पता है सब कुछ, इतना घमंड, वो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता है वो आदमी, तो मैंने उसको देखना बंद कर दिया। वैसे अगर आपको उनके बारे में असलियत जाननी है, तो आप हेट स्टोरी का उनका इंटरव्यू है वो जरूर सुनना, वो यूट्यूब के ऊपर है, मैं कॉपीराइट के चक्कर में आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट आप जाना ढूंढना कि हेट स्टोरी के टाइम पे उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया था प्रेस को और उनकी क्या विचार है वुमेन की बॉडी को लेके, आपको सब क्लियर हो जाएगा और यहाँ आके वो बड़ा ध्यान देने लग गए। एनीवेज जल्दी ही मिलते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली, ये कोई अपडेट नहीं हुआ, ये तो से कहते हैं व्लॉग टाइप सा कुछ हो गया, बट एनीवेज इट्स वर्थ वाइल्ड टॉकिंग टू यू गाइस। कुछ और एक्सप्रेस करना तो कमेंट कर देना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे तो मेरे साथ बहुत सारे लोग चिट चैट करते रहते हैं, यूजली आई रिप्लाई वेरी वेरी फास्ट, 1 or 2 hours maximum in a day। बाय बाय।